गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर गुर्जरों ने भरतपुर में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। समाज के युवा बड़ी संख्या में अड्डा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि वे राज्य के खेल और युवा मंत्री अशोक चांदना का इंतजार कर रहे हैं, जो जयपुर से यहां आएंगे। आंदोलन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित हुआ है। बयाना हिंडौन सड़क मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। भरतपुर में ट्रैक को रोकने की कोशिश की गई है। बयाना हिंडौन वाले रूट पर फिलहाल शांत ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। गुर्जर समुदाय की मांग है कि राजस्थान सरकार गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। बैकलॉग भरे तथा प्रक्रियाधीन भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण का लाभ दे। साथ ही गुर्जर समुदाय का ये भी कहना है कि पहले आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि समिति ने 17 अक्टूबर को बयाना में महापंचायत की थी और उनकी आरक्षण संबंधी मांगों को मानने के लिए राज्य सरकार को 1 नवंबर तक का समय दिया था और इसके बाद अब गुर्जर समाज ने अपना आरक्षण शुरू कर दिया है। राजस्थान से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, गुर्जरों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, आरक्षण को साथ साथ में कई सारी मांगे हैं जो मांग रहे हैं और अब ये आंदोलन एक बड़ा रूप देखा जा रहा है। बिल्कुल, मुझे देखिए जिस प्रकार से प्रस्तावित था, ये पहले से पूर्व में प्रस्तावित था कि 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन होगा। जो मुख्य मांगे थी 5% आरक्षण की मांगे थी, गुर्जर नेता जो पूर्व में आंदोलन कर चुके थे उनको भी मुकदमे वापस लेने की मांगे, सही सही 14 मांगे थी, उन पर सहमति को लेकर सरकार ने वार्ता भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जब गुर्जर समाज है जो गुर्जर आंदोलन कर रहे थे उसमें 2 फाड़ हो गई थी, नेताओं के द्वारा 2 भागों पर गए थे सारे नेता। और ऐसे में शनिवार देर रात जो 6 घंटे वार्ता सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें हिम्मत सिंह प्रथम पक्ष जो था, यूं कहें कि पहला भाग था, उसने 14 बिंदुओं पर सहमति जताती थी, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला थे उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया और फैसले को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका साफ साफ ये कहना था कि हाँ, हम 2006 से लगातार आंदोलन अपने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है, किंतु तत्कालीन सरकारें आई हैं गई हैं, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और कागजी कार्रवाई होती रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऐसे में उन्होंने जो मंत्री हैं अशोक चांदना उनको भी मौका पर बुलाया था, आंदोलन जो मौका है वहां पे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो चेयरमैन जारी किए गए उनमें साफ था कि हम बात करने के तैयार हैं, कृपया आंदोलन नहीं करें। ऐसे में चांदना जो अशोक चांदना मंत्री थे, युवा खेल मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने वहां पे जाने की कोशिश की थी लेकिन रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वापस आना पड़ा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गुर्जर आंदोलन लगातार जारी रहता है या रुकता है, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उसके समर्थक जो है आंदोलनकारी है, उन्होंने कई ट्रेनों को दिल्ली और मुंबई मार्ग जो है उसको उखाड़ फेंका है और वहां पे काम लगा दिया। ऐसे में जो 7 ट्रेनें हैं राजस्थान में, जो 7 ट्रेनें निकलती हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जी, और संदीप ये भी बात है कि हर बार जिस तरीके से गुर्जर अपने आंदोलन की चेतावनी देते हैं, बाद में सरकार बातचीत भी करती है, एक पूरी तरीके से कमिटी बनाई जाती है गुर्जरों के नेताओं से बात करने के लिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं दिखता। और एक बार ऐसा ही फिर से यही बात सामने आ गई है, जबकि राजस्थान सरकार ने यही बात कही थी कि हमने गुर्जरों को समझा दिया है, उनकी कुछ मांगे हैं जो हमने मान ली गई हैं, उन्होंने कहा है कि बातचीत से हल निकल जाएगा, लेकिन सरकार का ये बयान खोखला नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये कहना चाहता है कि रद्द नहीं होगा, क्योंकि जो गुर्जर आंदोलन हो रहा है और कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला है जो मुख्य सूत्र रहा है आंदोलन के, उनका साफ साफ यही कहना है कि कई सरकारें आई कई कई लगातार हम वायदे कर रहे हैं, लगातार आंदोलनरत हैं हमारी मांगों को लेकर, लेकिन सरकारें केवल बातचीत करके दूसरे आश्वासन देती है, प्रैक्टिकली धरातल ये काम नहीं होता है। ऐसे में जो फैसला है उनका साफ साफ यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लिखित में देवें और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम देवें, उसके बाद ही हम आंदोलन समाप्त करेंगे, अन्यथा हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी, तो जिस तरीके से लगातार आंदोलन होता है तो कई सारी जगहों पर उग्र आंदोलन भी शुरू हो जाता है। संदीप, अगर उग्र आंदोलन की तरफ ये गुर्जर आंदोलन बढ़ता है तो उसके लिए सरकार की बात हो या फिर प्रशासन की बात हो, वो क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, पहले 15 दिन पहले उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था राज्य सरकार को कि हम 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन करेंगे। ऐसे में सरकार ने एहतियातन के तौर पर सभी सुरक्षा के जो भी मापदंड थे उनको पूरा कर लिया था। सबसे बड़ी बात बता दूं इसमें, जो इंटरनेट सेवाएं थी जो गुर्जर क्षेत्र है उनमें बंद कर दी गई थी, जो आज भी लगातार देर रात तक जारी रहेंगी,
और एक नवंबर को प्रस्तावित जो उग्र आंदोलन को लेकर शीर्ष अफसरों ने आरएसी की तरफ तालियन की डिमांड भी की थी और वो भी मौके पर जांच कर दी गई थी। इसे लेकर पत्र भी लिखा गया था शीर्ष मुख्यालय को और आरटीएफ रैपिड एक्शन फोर्स सहित बीएसएफ के जवान भी बुलाए गए थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो भी सुरक्षा के जो भी मापदंड थे वो सुरक्षा द्वारा पूरे कर लिए गए थे। ऐसे में अपने जो आंदोलन है वहाँ पर भी मौके पर पुलिस जाप्ता तैयार तैनात कर लिया गया है। तो संदीप ये भी है कि गुर्जरों ने अपना आंदोलन तो शुरू कर दिया है लेकिन अब सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है, नेटवर्क सेवाएं बंद है, इसके अलावा आवागमन भी ठप हो रहा है। जैसे आंदोलन लगातार राज्य देर रात तक पटरियां उखाड़ दी थी गुर्जरों ने, ऐसे में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आज आनंद फानंद में 12 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके वार्ता के लिए जो कमेटी गठित की थी जिसके मुखिया अशोक चंदना जो मंत्री हैं यहाँ पे युवा खेल मंत्री हैं उनको बनाया गया था, उनसे वार्ता की जा रही है और लगातार कॉन्टेक्ट में है। अब गुर्जर जो आंदोलनरत हैं उनको जल्द ही जयपुर बुलाया जाएगा आंदोलन करने के लिए और जो उनकी मांगे हैं उनका विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आज दोपहर 12 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। देखने वाली बात होगी कि अब वो बैठक कहां तक सहमति प्रदान करती है। जी बिल्कुल, जी संदीप शुक्रिया। जी बिल्कुल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।